मुझे भी रास्ते में भी ड्राइव करने में काफ़ी घूम के आना पड़ा, चूँकि पानी अंडरपास वगैरह भरा रहा होगा तो बच्चों के आने में टाइम तो लगेगा इतनी हैवी रेनफॉल में, बट वी कैन स्टिल स्टार्ट विद द विद सम सम जनरल डिस्कशंस। तो पहली बात तो ये कि तो चूँकि आपके बैच को मैंने पहले पढ़ाया है, डाटा स्ट्रक्चर्स पढ़ाया है, राइट? तो पहले तो ये बताइए कि उस वो जो क्लासेस हमने ली थी उसमें कुछ ऐसा आपको लगा हो जो कुछ इम्प्रूव हो सकता है जिससे आप लोग को फ़ायदा पहुँचे, अगर कुछ ऐसा है? कुछ सही था सब कुछ? हाँ, क्लासेस का मसला ये है कि क्लासेस हो सकता है हम लोग को जो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा रहेंगे तो अलॉकेटेड क्लासेस शायद ऊपर लेनी पड़े, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट एक क्लास नीचे क्लस्टर रूम में चारों सेक्शन में से हो जाए हर हर सेशन का। उससे क्या होगा कि एक रिकॉर्डिंग अगर प्रॉपर हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग जैसे पहले आपको प्रोवाइड में करता था वैसे लेक्चर रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करता रहूँगा, क्लास लेक्चर रिकॉर्डिंग। तो तकरीबन हर क्लास का सेशन तो ऑफकोर्स डिफरेंस होगा, सब में डिफरेंस होगा ही कुछ ना कुछ, लेकिन कंटेंट कोशिश करूँगा कि एक ही कवर करूँ, ठीक है? तो उससे आपको और जैसे पहले एडवांटेज मिलता था रिव्यू वगैरह करने का, वो सब रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा आपको। लेकिन ये सारी क्लासेस विद मतलब लेक्चर थिएटर में हो पाए या इस ट्रैक रूम में हो पाए ये पॉसिबल इस बार शायद ना रहे, ठीक है? तो हो सकता है हमें बोर्ड पे भी पढ़ना पड़े, बट एटलीस्ट ये क्लास कोशिश करेंगे कि रिकॉर्ड हो जाए हमारी। तो प्रोग्रामिंग में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है अब तक आप लोगों ने? सी तो पढ़ा ही है, सी के अलावा सी प्लस प्लस पढ़ा है, और कोई पाइथन वगैरह पढ़ा है? अलग से पढ़ा, मतलब सिलेबस का पार्ट नहीं था। अच्छा, तो आप ये समझ लीजिए कि सी प्लस प्लस क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, राइट? जावा इज अगेन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने जो कुछ सी प्लस प्लस से पढ़ा है वो चीज़ दोबारा से आएगी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट सारे के सारे वही रहने वाले हैं, कुछ भी नया नहीं होगा, है ना? ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि जो कुछ आपने सी प्लस प्लस में सारे कंसेप्ट पढ़े हैं वही रिवाइज हो रहे हैं, ठीक है, विद अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन आपको एक चीज डिफरेंस नजर आएगी कि जो सी प्लस प्लस में आपने पढ़ा है वो बहुत थोड़ा पढ़ा है, ठीक है? यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि मतलब एक प्रोफेशनल लेवल का डेवलपमेंट के लिए जितनी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट एटलीस्ट, उस बेसिक रिक्वायरमेंट तक मैं आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? जावा मेरी कोर कॉम्पिटेंसी भी है, क्योंकि इंडस्ट्री वगैरह जो 9 साल गुजरा है यहाँ पे 2014 में आने से पहले, तो जावा टेक्नोलॉजीज पे ही अलग अलग कंपनी में मैंने काम किया है। तो जितना आप आगे जा सकते हैं उतना मैं आपको ले जाने की कोशिश करूँगा, डिपेंडिंग अपन आप कितनी मेहनत करते हैं बैकग्राउंड में, ठीक है? क्योंकि मैंने प्रीवियस बैचेस देखे हैं वो सी प्लस प्लस पढ़ के आते हैं, लेकिन हालांकि सच्चाई ये होती है कि उन्हें पता बहुत कम होता है, अक्सर को छोटे छोटे प्रोग्राम्स लिखने भी नहीं आते हैं, ठीक है? तो एक बार प्रोग्रामिंग के जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपको रिवाइज एज अर्ली एज पॉसिबल करना है, ठीक है? जैसे अगर आप सी के ही या सी प्लस प्लस की कोई बुक उठा लीजिए और उसमें सारे लूप्स वगैरह हो गए, ठीक है, डिसीजंस के कंस्ट्रक्ट्स हो गए जैसे इफ एल्स हो गया, ठीक है,
फॉर लूप्स हो गया, डू वाइल लूप्स हो गया, स्विच स्टेटमेंट हो गए, ये सब तो बहुत जनरल चीज़ें हैं ना। मेन मेथड क्या होता है, फंक्शन कैसे लिखते हैं, ठीक है, इन सबको पहले रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि इतना हम लोग को टाइम नहीं हुआ कि हर छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस कर सके। और ये सब्जेक्ट जब फिफ्थ सेमेस्टर में आया है तो ये अज्यूम करके आता है कि भाई आपने पहले सी और सी प्लस प्लस पढ़ रखा है, इसमें डाटा स्ट्रक्चर तो मुझसे ही पढ़ा था, लेकिन डाटा स्ट्रक्चर में मैंने देखा था कि वीकनेस काफ़ी थी आप लोग के बैच में, है ना, तो वो थोड़ा सा रिवाइज क्विकली आप लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। हम सभी चीज़ स्टार्ट से करेंगे, जैसे कि इंस्टॉलेशन वगैरह आपको करके मैं दिखाऊंगा, अपने कंप्यूटर पर आप इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, कंप्यूटर लाएंगे तो मेरे सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से तो मतलब हर चीज़ आपके पास लाइव रहेगी, आप टैबलेट रख करके उसको चला करके सामने अपने घर पर बैठ के प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या लैब में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नथिंग न्यू, सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन आप देखेंगे कि एक अलग डेप्थ में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट, तो इसमें और जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मेरी रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, पहले मैं बोल चुका हूँ, इसमें और किसी भी प्रोसीजर लैंग्वेज, एग्जांपल ऑफ प्रोसीजर लैंग्वेज क्या है बताइए, सी, फाइन, एग्जांपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपने पढ़ चुका है वो सी प्लस प्लस है, राइट। इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस होता है, या ये कहें कि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी फिर सी प्लस प्लस पढ़ा, तो कुछ एक अजम्पशन बना होगा कि सी लैंग्वेज पुरानी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस तो बाद में बनी है, राइट। तो सी प्लस प्लस जो बनी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर बनी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट की अगर हम बात करें तो जनरल आपको अगर याद आए तो उसमें मैथड ओवरलोडिंग होगी, राइट, ओवरराइडिंग होगी, ऑब्जेक्ट्स का कंसेप्ट होगा, क्लासेस का कंसेप्ट होगा, जबकि सी में वही चीज़ें स्ट्रक्चर वगैरह आप देखेंगे लेकिन क्लासेस जैसे कंसेप्ट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर उसमें ओवरराइडिंग या ओवरलोडिंग इस तरह के कंसेप्ट आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल के मतलब जो भी बेसिक कंसेप्ट होते हैं, डाटा हाइडिंग हो गया, ये सब आपको नहीं मिलेंगे, राइट, ये सब नहीं मिलेंगे। तो ऐसा ऐसा क्या चेंजेस आया होगा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रैक्टिशनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि उन्होंने एक अलग प्रोग्रामिंग पैराडिग्म के बारे में सोचना शुरू करा। ऐसा तो कुछ भी नहीं है जो सी प्रोग्राम में आप बनाना चाहें और ना बना पाए, सारे कंसेप्ट मौजूद हैं, बस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट मौजूद नहीं है या उनके प्रिंसिपल्स मौजूद नहीं है या उनके हिसाब से लैंग्वेज को डिजाइन नहीं किया गया है, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो ऐसा क्या डिफरेंस हुआ होगा जिसमें प्रोसीजर लैंग्वेज के बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे माइग्रेट करने की जरूरत डेवलपर्स को फील हुई होगी। इवन बिफोर कमिंग टू द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड सी प्लस प्लस, वी आर टॉकिंग अबाउट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर लैंग्वेज एंड एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिकॉज जावा इज ऑफ कोर्स एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वन थिंग शुड बी क्लियर दैट इन एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू कैन ऑलवेज गो बैक टू द प्रोसीजर वे ऑफ राइटिंग द कोड। अगर सी प्लस प्लस में ही आप एक मेन मेथड बनाए और पूरा का पूरा एक ही क्लास के अंदर पूरा एप्लीकेशन का कोड लिख दें तो कौन आपको रोक रहा है, लिख ही सकते हैं, इट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पज, राइट, है ना। उसमें अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के कंसेप्ट हैं एक तरह से मतलब प्रोग्रामिंग को के एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट से ही आपको एक नए अंदाज से देखने के लिए जब कहा जा रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो कुछ तो पर्पज उसका होगा, वरना हमेशा आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्रोसीजर लैंग्वेज के वे में प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो जैसे सी में अगर आपने प्रोग्राम लिखा होगा अपने डेव वगैरह में तो इस तरह के लिखे होंगे, राइट अ प्रोग्राम फॉर सर्चिंग, राइट अ प्रोग्राम फॉर सॉर्टिंग, राइट अ प्रोग्राम फॉर स्वाइपिंग टू नंबर्स एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट, जो फोकस करते हैं लूप्स के बारे में, राइट, या इफ एल्स कंस्ट्रक्ट्स के बारे में, ठीक है, या जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, चाहे वो किसी प्रोसीजर लैंग्वेज में हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो, जो बेसिक कंसेप्ट है, इफ एल्स हो गया, स्विच हो गया, स्टेटमेंट हो गया, फॉर लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, है ना, इस तरह के कंसेप्ट पे फोकस ज़्यादा करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप सी प्लस प्लस में आए होंगे
तब किस तरह के प्रोग्राम लिख रहे थे आप? नहीं, वो तो सी में भी करते हैं, मेन फंक्शन बनाते हैं फिर दूसरे फंक्शन बनाते हैं। सी इज अ मॉडल लैंग्वेज, इट्स अ प्रोसीजर लैंग्वेज बट इट्स अ मॉडल लैंग्वेज। मॉडलर इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस, फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। तो सी ऑलरेडी मॉडल लैंग्वेज है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। मॉड्यूलर का मतलब क्या होता है? कैसे बताइए, सही बता रहे हैं आप, कैसे बताइए? नीचे ऊपर किस तरह से, कंसेप्ट एग्जांपल देखिए बताओ। टॉप टू बॉटम अप्रोच होता है, अच्छा। सी प्लस में बॉटम टू टॉप होता है, तो ये टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का मतलब क्या होता है? और क्लैरिटी में कोई बता सकता है? क्या नाम है आपका? राजन, राधिक, आपका? मरियम, और कुछ? मतलब एक एग्जांपल देके समझ लो कि मुझे मुझे समझना है, आप मुझे समझा रहे हो, तो आप कैसे समझाओगे कि मतलब क्या डिफरेंस हुआ टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप का? चलिए देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा क्लियरिटी में। मॉड्युलरिटी का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। अभी मैंने बोला कि सी इज अ मॉड्युलर लैंग्वेज, बेसिक यूनिट उसका क्या हो गया? फंक्शन हो गया, ठीक है। फंक्शन को अगर हम कहें कि फंक्शन मॉड्युलर है, तो उसका मतलब ये हो गया कि उस छोटे से कोड ब्लॉक के अंदर, यानी फंक्शन के कोड ब्लॉक के अंदर जो भी आप बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, वो एक सेपरेट इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस रखता हो, ठीक है। जैसे आपने ऐड कहा, ऐड टू नंबर्स, तो वो जो दो लाइन का स्टेटमेंट आप उसमें लिख रहे हैं, दो नंबर आपने पास करा उसमें और रिजल्ट इज इक्वल टू, मान लीजिए नंबर के जो वेरिएबल है एक्स और वाई है, रिजल्ट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, फिर आपने रिटर्न रिजल्ट कर दिया, दो लाइन का कोड लिखा, राइट। तो ये पूरा का पूरा फोकस किस पर है? एडिशन के फंक्शन पर है, राइट। तो इसका मतलब, हाँ, आप जब फीचर्स या फंक्शंस को ब्रेक करते हैं टू द स्मॉलेस्ट यूनिट पॉसिबल, उसको आप बोलते हैं मॉड्युलरिटी, ठीक है। जनरल टर्म बता रहा हूँ, बुक की लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूँ, जनरल टर्म बता रहा हूँ, ठीक है, फाइन। तो बेसिक यूनिट मॉड्युलरिटी की क्या हो गई? फंक्शन हो गई, राइट। इसके ऊपर जाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो क्लास आ जाएंगे, राइट। उसके ऊपर बात करें तो क्या होगा? पैकेज, पैकेज पता है, ग्रुप ऑफ क्लासेस एक पर्टिकुलर फोल्डर में, और ऐसे अलग अलग फोल्डर आप बना सकते हैं। आर्किटेक्चर लेवल की बात करें तो एक एप्लीकेशन के डिफरेंट मॉड्यूल्स जब आप कहेंगे, तो उसका मतलब हो गया कि मान लीजिए कि आप जामिया हमदर्द के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, है ना, एक इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं, ईआरपी एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है। उसमें स्टूडेंट एडमिशन सिस्टम का एक मॉड्यूल हो गया, ठीक है, फीस पेमेंट का अलग मॉड्यूल हो गया, ठीक है, फॉर्म 16 जनरेट करने का यानी इनकम टैक्स का अलग मॉड्यूल हो गया एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है, डिफरेंट एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए अलग प्रोग्राम, अलग मॉड्यूल हो गया। तो वो क्या हो गया? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एप्लीकेशन हो गए जो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वो आर्किटेक्चर लेवल का मॉड्यूल लेवल का डिवीजन हो गया, राइट। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक विच इज द फंक्शन, विच इज द वेरी स्मॉल लेवल ऑफ मॉड्युलरिटी, जिसको सी ने पहले ही अचीव कर लिया था, ठीक है। तो अब जैसे इन्होंने बोला कि भाई, आप दोनों ने बोला कि भाई सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस ये होता है कि सी प्लस प्लस में हम बॉटम टू टॉप जाते हैं और सी में टॉप टू बॉटम जाते हैं। टॉप टू बॉटम जब प्रोसीजर लैंग्वेज में जाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि, इसको डिलीट कर दूं, सी लैंग्वेज का एग्जांपल बता रहा हूं, या प्रोसीजर लैंग्वेज का एग्जांपल बता रहा हूं रादर, प्रोसीजर अप्रोच, ठीक है।
इसमें क्या होता है, जैसे आपने सबसे पहले क्या करा, एक जब आपसे कहा जाए एक प्रोग्राम लिखिए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक मेन मेथड के बारे में सोचते हैं नॉर्मली, ठीक है, मेन मेथड में सोचते हैं। फिर उसके बाद क्या सोचते हैं कि अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम में फर्दर मॉड्यूलरिटी चाहिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि आप एक प्रोग्राम लिखिए जो एडमिशंस को मैनेज करे जामिया हमदर्द में, ठीक है, तो जो भी फंक्शन लिखेंगे सारे कॉल किससे होंगे, मेन मेथड से होंगे, क्योंकि मेन मेथड क्या है, एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट है, एग्जीक्यूशन का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अच्छा अब आप लिखिए एडमिशंस के लिए और प्रोग्राम लिखिए, आपने एक फंक्शन बनाया थे, फॉर एग्जाम्पल बताइए क्या फंक्शन हो सकता है, कोई नाम बताइए, नहीं सिर्फ एडमिशन में तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं ना, आपको ब्रेक करना पड़ेगा ना, मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है कि आपको स्टेप्स में ब्रेक करना पड़ेगा, राइट, फिर उन स्टेप्स के हिसाब से मॉड्यूल्स को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, वरना एक लार्ज फंक्शन जिसमें 50 पेज या 100 पेज का कोड हो, वो तो किसी के लिए समझना पॉसिबल नहीं है, कॉम्प्लेक्स भी होगा, मैनेज करना भी मुश्किल होगा, ठीक है। तो आप अपने फंक्शन को भी, आइडियल तरीका ये होता है कि आप किसी भी फंक्शन को उतना लिखें जितना एक स्क्रीन पर विजिबल हो, सबसे बेसिक प्रिंसिपल, ठीक है, ताकि एक बार आप स्क्रीन खोला आपने, आपको फंक्शन का बिहेवियर समझ में आ गया, आपको स्क्रॉल ज्यादा ना करना पड़े, ठीक है, सबसे बेसिक फंडा इसका, ठीक है। आगे के प्रिंसिपल क्या होते हैं मॉड्युलरिटी में, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या करा भाई कि मेन मेथड के बाद आपने सोचना शुरू किया और क्या क्या फंक्शन होते हैं एडमिशन में, तो सबसे पहले जैसे आप एडमिशन के लिए फॉर्म को फिल करना पड़ता है, राइट, तो फॉर्म तो फिल करेगा आदमी यूआई से, यानी वेब पेज से, जब वेब पेज से फॉर्म को फिल करके सबमिट करेगा तो वो सर्वर पे आएगा। अभी जो लैंग्वेजेस हम पढ़ रहे हैं ये कहाँ पे यूज होंगी, सर्वर साइड बैकेंड में यूज होंगी, राइट, ठीक है। फ्रंट एंड के लिए आपको एचटीएमएल या यूआई का कंपोनेंट को चाहिए, जैसे जावा में आपका स्विंग कंपोनेंट यूज होता है, तो ठीक है। तो आपने कहा कि भाई जो फॉर्म से इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मैं सेव फॉर्म डाटा, एक फंक्शन आपने लिख दिया, राइट, सेव फॉर्म डाटा लिख दिया, राइट, लेकिन अब फॉर्म डाटा सेव करने के लिए इस फंक्शन को डाटाबेस से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है आप लोगों ने, कैसे कनेक्ट करते हैं, माइस्क्यूएल पे काम किया होगा, MySQL पे काम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले एक क्लाइंट का एप्लीकेशन होता है, उसमें क्या करते हैं आप, डेटाबेस क्रिएट करके टेबल या स्कीमा क्रिएट करते हैं, राइट, है ना, टेबल मतलब बेसिकली जो, हाँ हाँ स्कीमा क्रिएट करते हैं, उसके अंदर फर्दर फिर आप टेबल क्रिएट करके रो और कॉलम बनाते हैं उसमें, तो वो तो आपने बना लिया, लेकिन कनेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, जो यूआई होता है उसका, जो क्लाइंट साइड होता है एप्लीकेशन होता है, उसमें यूजर नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, एक कनेक्शन यूआरएल देते हैं, राइट, जिसे पोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ होता है, जिसे कनेक्ट होता है। अब अगर आपको किसी प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट करना है, आप उस क्लाइंट इंटरफेस से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप प्रोग्राम के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, तो प्रोग्राम से कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही इंफॉर्मेशन आपको कोड के अंदर देनी पड़ेगी, राइट, देनी पड़ेगी। अच्छा, जब भी डाटाबेस का काम होगा, चाहे फॉर्म को सेव करना है, फॉर्म को रिट्राइव करना है, फॉर्म में कोई चेंजेस करने हैं, बार बार आपको कनेक्शन करने की जरूरत पड़ सकती है, करेक्ट, यानी बार बार ये पार्टिकुलर जो जो काम है कनेक्शन का, जिसमें यूजर नेम देना, पासवर्ड देना या यूआरएल कनेक्शन यूआरएल देना, ये सारी चीजें जो हैं, और किस तरह आप कनेक्ट करें, किन फंक्शन को कॉल करें कनेक्ट करें, ये रिपीट होंगी। तो कोई भी चीज अगर रिपीट होती है, दैट इज द बेस्ट कैंडिडेट टू गो इन अ मॉड्यूल एज अ सेपरेट मॉड्यूल। रीयूजिबिलिटी, मॉड्यूलर एस्पेक्ट का पहला जो बेनिफिट है वो क्या है, रीयूजिबिलिटी है। तो जब आप सेम फॉर्म डाटा बना रहे हैं, तो आप इसमें फॉर्म डाटा में सेव करने के दौरान जो भी डाटाबेस से आप कनेक्शन के स्टेप्स लिखेंगे प्रोग्राम के अंदर से, वो इस फंक्शन के अंदर लिखना तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो बार बार रीयूज हो सकता है और भी फंक्शन के अंदर, तो इसका मतलब वो सेपरेट फंक्शन या सेपरेट मॉड्यूल में आप अलग सेपरेट करें, ठीक है। तो वो क्या आपने करा, आपने उसको नाम दिया थे रादर आई विल गिव अ रियलिस्टिक नेम, डू कनेक्ट,
या गेट कनेक्शन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं कट कर दे रहा हूँ। गेट कनेक्शन, जब मैं गेट कनेक्शन कर रहा हूँ तो मैं डायनामिक कनेक्शन ले रहा हूँ प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। ये आपने मेथड लिखा, तो इसलिए आपने इसको आपने सेव फॉर्म डाटा से कॉल करा, सेव फॉर्म डाटा मेन से कॉल हुआ, राइट। और ये तब कॉल हुआ जब आपके पास फॉर्म से इंफॉर्मेशन आई रिमोटली। हम अभी इससे पहले जो बात कर रहे हैं वो क्या है, ये यूआई पार्ट है जो कि रिमोट भी हो सकता है या डेस्कटॉप बेस्ड भी हो सकता है, राइट। इसके बाद जो हम बात कर रहे हैं वो क्या है, सर्वर साइड का काम है, ठीक है, जिसमें आपका एक्चुअल जो कोड होता है वो लिखा जाता है, ठीक है। इधर वाला काम तो एचटीएमएल से हो सकता है, फॉर्म सबमिट होकर के आएगा तो पीछे कोई कोई कोड होगा ना जो डाटाबेस में सबमिट कर रहा है चीज़ों को, उसे रिट्राइव कर रहा है, कोई कंप्यूटेशन लॉजिक कर रहा है। अगर आपने फॉर्म सबमिट किया है तो आपका एक्नॉलेजमेंट जनरेट करके आपको पीडीएफ फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। एडमिशन फी सबमिट किया है तो फी सबमिट की रिसिप्ट जनरेट करके पीडीएफ फॉर्म में दे रहा है आपको, ये सारे काम कर रहा है, ठीक है। ये सारे अलग अलग काम हुए एक एडमिशन एप्लीकेशन के, राइट। तो आपने क्या किया, सेव फॉर्म डाटा में जब आप आए तो इस फंक्शन को कॉल किया, तो सबसे पहले क्या आपने कॉल किया, गेट कनेक्शन कॉल किया। कनेक्शन एक बार आपको मिल गई, ठीक है, तब उसके अंदर आप कोड लिखेंगे कि जो फॉर्म डाटा है उसको आप कन्वर्ट करें एक ऐसे फॉर्मेट में, ठीक है, जो टेबल्स के रोज और कॉलम से मैच होता हो, राइट। क्योंकि जो फॉर्म से आता है डाटा आता है वो कैसा आता है, वो हर चीज टेक्स्ट के फॉर्म में आएगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा रियल एस्टेट भी समझाता जा रहा हूँ। जो फॉर्म से जो डाटा आता है वो क्या होता है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल पे आता है, राइट राइट। जो क्लाइंट का, क्लाइंट और सर्वर का जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल होता है ना ओवर द इंटरनेट, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को फॉलो करता है। और एचटीएमएल क्या है, फॉर एग्जाम्पल एचटीएमएल वो है जिस टेक्नोलॉजी से आप बेसिकली वेब पेजेस बनाते हैं, जिसमें फॉर्म भी बनेगा आपका, राइट। इन शॉर्ट फुल फॉर्म में जाने से अच्छा है कि हम समझ ले करता क्या है, राइट। तो जब वहां से इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू आती है। और एचटीटीपी प्रोटोकॉल का जो जो बेसिक फाउंडेशन है, प्रिंसिपल है, वो ये है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल इज अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। यानी इंटरनेट से जब कोई इंफॉर्मेशन आएगी तो वो हमेशा टेक्स्ट के फॉर्म में आएगी, कैरेक्टर्स के फॉर्म में आएगी, राइट। चाहे वो एज ही क्यों ना हो स्टूडेंट की। अब एज इज अ न्यूमेरिक थिंग, आपको वैलिडेट करना है कि भाई जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए या 40 साल से, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस रूल अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर टेकिंग एडमिशन टू द बीसीए और एमसीए कोर्स व्हाटएवर, ठीक है। तो अब ये रूल अप्लाई करने के लिए आपको वो न्यूमरिक वैल्यू चाहिए, चूंकि आपको लेस देन ग्रेटर देन का कंप्यूटेशन करना है ना, एक कंप्यूटेशन करना है, राइट। तो न्यूमरिक वैल्यू चाहिए, टेक्स्ट में नहीं चाहिए। तो आप पहले क्या करेंगे, सारे फॉर्म डाटा को उन स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे जिसमें उसकी जरूरत है प्रोसेसिंग के लिए। डाटाबेस में भी अगर डालना है तो हो सकता है कुछ कंप्यूटेशन करके आपको डालना हो, राइट। आप उसको डाटाबेस का जो जो कॉलम होगा वो हो सकता है न्यूमरिक फॉर्म में हो, नंबर डिफाइंड हो, राइट, करेक्ट, 864 में डिफाइंड हो सकता है या कोई और फॉर्मेट हो सकता है। डेट अगर आप करें तो डेट का फॉर्मेट अलग होगा, राइट। तो वो डेट का फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले आ रहा है टेक्स्ट में लेकिन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेट में, उसके बाद ही आप डाटाबेस में उसको भेज पाएंगे या किसी भी तरह कंप्यूटेशन कर पाएंगे। तो आपने क्या करा, एक फंक्शन और लिखा, क्योंकि ये एक सेपरेट चीज है, ठीक है, जो बार बार रिपीट हो सकती है कन्वर्जन, ठीक है। तो आपने लिखा कन्वर्ट फॉर्म डाटा, आपने लिखा एक फंक्शन लिखा, अलग मॉडल बनाया, फाइन, और इसको कॉल किया जब डाटा सारा टेक्स्ट में भेजा, इसको कॉल किया, मान लीजिए करे में आपने भेज दिया। आप सोचेंगे टेक्स्ट में भेजने के लिए तो एक फंक्शन में लिमिटेड नंबर ऑफ पैरामीटर ही होते हैं ना, आपने एक अरे में भेज दिया, स्ट्रिंग अरे में भेज दिया, ठीक है, एक अरे भेज दिया जिसमें आ रही है इंफॉर्मेशन, और यहां से फिर वापस आपके पास आएगी उस फॉर्म में कन्वर्ट होके जिस फॉर्म में उसको एक्चुअली होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस फंक्शन कुड ऑल्सो बी रिपीटेड, इट्स ऑल्सो अ गुड कैंडिडेट फॉर बींग अ मॉड्यूलर फंक्शन, राइट, आई जस्ट गिविंग एग्जाम्पल, ठीक है। अदरवाइज रियल एप्लीकेशन में आपको बहुत ज्यादा उस पर फोकस करना पड़ेगा कि किस तरह से चीजों को आपको डिवाइड करना है। अच्छा, ये मॉड्यूलर हम कर क्यों रहे हैं, एक तो चीज हमें समझ में आ गई रियूजेबिलिटी, राइट, अदरवाइज
और क्या फायदा हो सकता है इससे? रीडेबिलिटी अगेन नथिंग, क्योंकि हम अपने फंक्शंस को सारे काम अगर यही दो सारे छोटे छोटे फंक्शन अगर हम करते हैं, अभी तो हम फॉर्म को सेव करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम कनेक्शन ले रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं डाटा को, ये दोनों काम वैलिडेशन अलग एक चीज हो जाएगी, ठीक है, कि किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन गलत तो नहीं लिखी है, ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन पूरी है कि नहीं है, राइट, तो ये सारी चीजें अलग से अपनी आएंगी, सिक्योरिटी के एस्पेक्ट अलग से आएंगे। रीडेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप किसी, देखिए सिंपल सी बात है, आपने कोड लिखा, ठीक है, मशीन तो उसको समझ ही लेगा, एक्सक्यूट भी कर देगा, ठीक है। रीडेबल कोड का मतलब ये होता है कि आप जो भी कोड लिख रहे हैं उसको सामने वाला जो प्रोग्रामर है जब उस पर उसको दोबारा से कोई चेंजेस कर रहा है, ठीक है, तो क्या हो कि वो उसको समझ सके कि आपका एप्लीकेशन का लॉजिक क्या है। अब इसमें कई चीज़ आती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि इसमें आप फंक्शन के ऊपर सारे कमेंट लिखे कि ये फंक्शन क्या क्या लेता है, क्या आउटपुट देता है, दैट्स अगेन वन एस्पेक्ट ऑफ द रीडेबिलिटी, इंप्रूविंग द रीडेबिलिटी, कि आप कमेंट से उसको डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं उसका, ठीक है। एक डॉक्यूमेंटेशन होता है कि आप डॉक्यूमेंट्स में कर रहे हैं, वर्ड पीडीएफ फाइल में बना रहे हैं, डायग्राम्स बना रहे हैं, उससे कर रहे हैं। एक होता है कोड को ही डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यूज करना, ठीक है। जो मॉडर्न प्रिंसिपल्स होते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा फोकस मत करो, जितनी जरूरत है उतना रखो, क्योंकि उतना डॉक्यूमेंटेशन एक ओवरलोड होता है, आपको क्विकली डिलीवर करना है क्लाइंट को, तो आप वर्किंग कोड के साथ कोड को ही ऐसा करो कि वो खुद डॉक्यूमेंट का काम करे। फिजिकल डॉक्यूमेंट अक्सर लॉस हो जाते हैं। एक कंपनी में मैंने काम किया था 2007-8 में, और वहाँ पे मुझे कुछ काम मिला था, डेवलपर उसका मतलब जो था वो जा चुका था, तो उसमें क्या हुआ कि मैंने उसको कोड को समझने के लिए, बहुत ही बेडली डॉक्यूमेंटेड कोड था और काफ़ी कॉम्प्लेक्स टाइप का कोड था, उसको समझने के लिए मैंने कहा भाई डॉक्यूमेंटेशन कुछ इसका प्रोवाइड है आपके पास क्या, तो उन्होंने मुझे कुछ डायग्राम्स, क्लास डायग्राम वगैरह होते हैं कुछ दिए। जब मैंने कोड से मैच करना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये कम्प्लीटली डिफरेंट है एक्चुअल कोड में, उसके बाद भी बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या है, तो उसने कहा यार तुमने मांगा था, जो लीड था उसे मैं दे दिया, अदरवाइज इससे कोई फायदा उधर नहीं है। वही चीज़ अगर कोड में डॉक्यूमेंटेशन हो विद प्रॉपर कमेंट, तो हर बार आप जब कोड में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, कमेंट्स को भी अपडेट करेंगे, राइट, तो मॉड्युलरिटी आपकी वहाँ पर इंप्रूव होगी, वही कभी दिख जाएगी आपको, आपको अलग से कहीं ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, पूछना नहीं पड़ेगा क्या हुआ भाई, क्या कहाँ से मिले इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ मिले समझने के लिए। और रियल एप्लीकेशन वाकई बहुत 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 ही मतलब बड़े एप्लीकेशन होते हैं, उसमें मिलियंस ऑफ लाइन्स ऑफ कोड्स होते हैं, ठीक है, अगर उनको हम प्रॉपरली रीडेबल कोड नहीं बना पाए तो उसके लिए समझना उसको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक डेवलपर एक काम कर रहा है, दो तीन साल काम करेगा कंपनी में, चेंज इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी नॉर्मल थिंग इंडस्ट्री, लोग जॉब छोड़ते हैं, दूसरे लोग हायर होते हैं, है ना, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, राइट, इंडस्ट्री का ये एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब लोग एक जगह जॉब कर रहे हैं, तो रेयरली ऐसा आप देखेंगे 10 साल तक एक ही कंपनी में आदमी काम कर रहा है, होते हैं अच्छे, ऐसे भी होते हैं कि मतलब एक साल लॉयल्टी अपनी कंपनी के साथ होती है या कंफर्टेबिलिटी होती है, अलग बात है, लेकिन ग्रोथ के लिए लोग चेंज करते हैं। तो जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे और आप चाहेंगे कि आपको कोई कोड आपको मिले जिसमें आपसे कहा जाए कि भाई इसको चेंजेस आप करिए, तो अगर आप कोड अच्छे से लिखा नहीं गया है जिसको आप समझ नहीं सकते हैं तो आपके लिए बहुत डिफिकल्टी होगी। दूसरी बात, आपके आने से पहले आप थे शायद, मैंने एक पॉइंट बोला था कि फंक्शन को उतना ही लिखिए, कोशिश करिए, देखिए किसी का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ठीक है, तो ये नहीं है कि आप इसको कहें कि हम रिलीजियसली इसको फॉलो करेंगे, बट द बेस्ट वे इज राइट अ फंक्शन विच इज जस्ट विच कैन कम जस्ट इन अ सिंगल स्क्रीन, ताकि आपको स्क्रॉल किए बिना उसको आप पूरे कोड को एक नज़र में पढ़ सके। फंक्शन का जो आप नाम दे रहे हैं वो फंक्शन का नाम रिफ्लेक्ट कर दे कि आप फंक्शन क्या कर रहा है, जैसे गेट कनेक्शन बता रहा है कि ये क्या करेगा, कन्वर्ट फॉर्म डाटा बता रहा है कि फॉर्म डाटा को कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट टू, इसको फर्दर आप लंबा भी कर सकते हैं, कन्वर्ट फॉर्म डाटा टेक्स्ट टू से अदर फॉर्म है, हाँ, तो इससे इससे आपको क्या हो रहा है कि फंक्शन का नाम देख के ही आपको समझ में आ रहा चाहिए फंक्शन कॉल हुआ ये फंक्शन ये कर रहा होगा। अगर आप सिंपली कोड में जैसे आपने मेन देखा तो आपने देखा सेम फॉर्म डाटा, सेम फॉर्म डाटा के अंदर देखा गेट कनेक्शन है, कन्वर्ट फॉर्म डाटा है, फिर प्रोसेस डाटा, इस तरह के फंक्शन हैं, तो आपको स्टेप समझ में आ रहे हैं, उससे नाम से ही स्टेप समझ में आ रहे हैं। अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर वो कैसे करके रखा गया है वो देखना है, तब उसके अंदर आपको जाने की जरूरत है, अदरवाइज स्टेप देख के ही आप समझ में आ रहा है, राइट, ये क्या होगी रीडेबिलिटी की बात होगी, करेक्ट, समझ आ रही बात। इससे काम बहुत आसान हो जाता है जब एप्लीकेशन इंटरप्राइज एप्लीकेशन टाइप के लेवल का एप्लीकेशन हो, यानी बहुत बड़ा एप्लीकेशन हो और कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन हो, काफी कंपोनेंट इसमें हो जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग दिस पॉइंट बिकॉज वी नो दैट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज अ प्रोसीजरल अप्रोच इज ऑलरेडी अ मॉड्यूलर अप्रोच, इट फॉलोज द मॉड्यूलर अप्रोच,
ठीक है, एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोसीजरल अप्रोच एंड अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच लाइक सी प्लस प्लस और जावा विच इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वी आर गोइंग टू स्टडी जावा बट इट हैज डिपेंडेंसीज ऑन द अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सी प्लस प्लस. When I say understandings of C++, that means I am talking about the object-oriented programming concepts. वो सारे के सारे repeat होने वाले हैं आपके, ठीक है, वो सारे repeat होंगे. वो अलग बात है कि हम उसको अलग depth में देखेंगे, ठीक है, तो repeat होंगे. तो coming back to the basic question, हम ये जो model functions में divide कर रहे हैं, ठीक है, ये divide कर ही क्यों रहे हैं? एक तो ये हुआ readability, इन्होंने बोला code complexity को mitigate करने के लिए, दूसरा point हो गया. Reusability अलग बात हो गई, ये सारे फंक्शन गेट कनेक्शन रीयूज हो सकता है, कनेक्शन ले रहा है डाटाबेस से, राइट. कन्वर्ट फॉर्म डाटा जो आ रहा है टेक्स्ट फॉर्म में आ रहा है, उसको आप जो बेसिक फॉर्म्स है मतलब इंटीजर फ्लोट इस टाइप की फॉर्म में आप कन्वर्ट करेंगे, राइट, कैरेक्टर जिस भी फॉर्म में जरूरत पड़े आपको, ठीक है, ताकि आप डाटाबेस में डेट का है तो डेट फॉर्म में कन्वर्ट करके डाटाबेस में आप उसको पुश कर सके इन्फॉर्मेशन को. तो ये भी रिपीट हो सकता है, इस तरह के फंक्शन भी रिपीट हो सकते हैं, ठीक है. तो रीयूजेबिलिटी इज अनदर एस्पेक्ट. एनी अदर रीजंस? Any other reasons? कुछ जो दिमाग में आ रहा हो? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है? सब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? नहीं था इस बारे. अच्छा, में होता है उसमें आप पढ़ेंगे एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कपलिंग, ठीक है, और एक होता है उसको बोलते हैं कोहिजन. सुना है कभी? नहीं सुना होगा. कपलिंग एंड कोहिजन सुना है कभी? नहीं सुना है. आगे आप पढ़ेंगे, मैं आपको शॉर्ट में बता के आगे बढ़ जाता हूं, ठीक है. कपलिंग का मतलब ये होता है कि हम जब भी अपना एप्लीकेशन लिखें तो कोई दो मॉड्यूल आपस में टाइटली कपल्ड ना हो, यानी एक दूसरे से पे डिपेंडेंट ना हो, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो. अब वो मॉड्यूल फंक्शन हो सकता है, अगर प्रोसीजर लैंग्वेज की बात करें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वो मॉड्यूल क्लास हो सकता है. आर्किटेक्चर लेवल की बात करें तो पैकेज से लेकर के आपका कंपोनेंट, डिफरेंट कंपोनेंट जैसा आपको बताया था मैंने, ठीक है, एप्लीकेशन के डिफरेंट कंपोनेंट्स वो हो सकते हैं. तो वो आपस में टाइटली कपल नहीं होने चाहिए, इसका मतलब एक दूसरे से बहुत डिपेंडेंट एक दूसरे पे नहीं होने चाहिए, ठीक है. यानी कपलिंग हमारे लिए क्या डिजायर्ड है? लो कपलिंग डिजायर्ड है. क्यों? अगर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगे तो क्या होगा, अगर एक फंक्शन में जैसे हम मॉड्युलरिटी की अगर बात करें सी की प्रोसीजर लैंग्वेज की, तो फंक्शन हो गया इसकी हम कपलिंग की बात कर रहे हैं, अगर एक में अगर चेंज हो रहा है तो दूसरे पे उसका असर पड़ेगा, तो आप उधर भी जाके कोड चेंज करना पड़ेगा, राइट. तो ऑलरेडी लिखा हुआ कोड जो आपका टेस्टेड है, प्रोडक्शन में मौजूद है, प्रोडक्शन मतलब एक्चुअली काम कर रहा है सर्वर पे जाकर के क्लाइंट कस्टमर के पास, उस कोड को आपको फिर से रीटेस्ट करके साइकिल के थ्रू पूरा रीटेस्ट और पूरा आपका जो डिप्लॉयमेंट साइकिल होता है, मतलब डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है प्रोडक्शन में उसको भेजना, ठीक है, उसकी पूरी एक साइकिल होती है, लंबी चौड़ी टास्क होती है उसमें, ठीक है, उसके थ्रू गुजारना पड़ेगा उसको. तो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो किसी भी प्रोग्रामर को फॉलो करना होता है, वो ये होता है, नेवर ब्रेक अ थिंग विच इज ऑलरेडी वर्किंग. बिकॉज एक लार्ज एप्लीकेशन में आपको पता नहीं कि वो कहाँ कहाँ इंपैक्ट करेगा, और उसके इंपैक्ट को ही तलाश करते करते आप परेशान हो जाएंगे. अब तक के लाइफ का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने किया है, मैंने किया मतलब पर्सनली, वो मैंने एमडॉक्स में किया है, L&T एंड बेल लैब्स का एक प्रोजेक्ट था, और उस प्रोजेक्ट में कम से कम समझ लीजिए कि 11-12 मॉड्यूल थे. मैं एक मॉड्यूल पे काम कर रहा था, और मैं आपको बताऊं कि मैंने एक साल एमडॉक्स में काम किया था, एमडॉक्स पुणे डिवीजन में. तो वहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ उस मॉड्यूल का अगर कुछ समझ पाया साल भर में बिजनेस, तो मुश्किल से 5% से भी कम समझाऊंगा मैं. अब उसको समझ सकते हैं वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट रहा होगा. वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 1980s में. उस प्रोजेक्ट को लिखने के लिए एक अलग से फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया था, MVC इंफ्रा के नाम से जाना जाता था, एमडॉक्स में था वो. आप अगर आप में से कोई अगर थोड़ा बहुत एडवांस कंसेप्ट समझता है, तो एक फ्रेमवर्क स्ट्रट्स है जो जावा में यूज होता है, MVC फ्रेमवर्क होता है,
एडवांस जाओ जब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्प्रिंग एमवीसी आया था, ये सब आया था। जब ये फ्रेमवर्क नहीं थे उस वक्त उन्होंने एमडॉक्स वालों ने ये फ्रेमवर्क बनाया था विच वर्क ऑलमोस्ट सिमिलर टू द केंथ कंसेप्ट। ठीक है, चेंजेस थे, अब स्टेट्स तो बहुत ही एडवांस लेवल पे हो गया था, बट बेसिक कंसेप्ट उनका वही था और मैनेज कर रहे थे। मतलब मैं देख के सरप्राइज हो गया कि इन लोगों के पास ये चीज उस वक्त थी जब हमारे जो मतलब जावा के जो डेवलपर्स हैं वो अभी नए नए चीज़ों को रिड्यूस करने में लगे हुए हैं, है ना। तो उसको वो बेस बना के उस पर वो कोड करते थे। 1980 से वो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, मैंने 2008 और तक काम किया होगा, मैंने 8 या 9 तक काम किया होगा एमडॉक्स में। ठीक है, और उस वक्त तक कितने साल गुजर गए होंगे आप सोचिए, ऑलमोस्ट 3 decades, क्लोज टू 3 decades, राइट। कितना बड़ा कोड बेस बना होगा उसमें, कितने डेवलपर्स आए होंगे गए होंगे, राइट। मैं खुद जहां 1 साल रहा है ना, मैं एक मॉड्यूल का ये नहीं गारंटी दे सकता कि मैं 5% ज्यादा बिजनेस लॉजिक समझ पाया था, तो उतने सारे मॉड्यूल्स को समझना है ना। उसमें एक मॉड्यूल था जिसको हम बोलते थे चेक एंड एडिट। चेक एंड एडिट मतलब नाम से समझ आ रहा है, चेक करना और ये देखना, एडिट एक तरह से गलत नाम दे दिया गया समझ लीजिए, चेक करना और उसको करेक्शन करना। ठीक है, तो इसका मतलब वैलिडेशन का काम करता था वो। जैसे अगर किसी ने एज अपनी 100 डाल दी, आप अपने फॉर्म के हिसाब से सोचिए, जो एडमिशन फॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, तो एज आपने 100 डाल दी या 150 डाल दी गलती से, ठीक है, तो उसमें या आप समझिए आप 29 डालना चाह रहे हैं, 290 आपने कर दिया गलती, 0 लगा दिया, राइट। तो दैट समथिंग विच विल कॉज अ प्रॉब्लम, कई सारे मॉड्यूल पे इम्पैक्ट करेगा। तो वही भी आपने आपका फंक्शन है उसने रोक दिया, कह दिया कि ये जो रेंज है रियलिस्टिक रेंज से बाहर है, आप इसको फिर से रीइंटर करिए, है ना। तो ये इसको बोलते हैं वैलिडेशन प्रोसेस। तो वो जो पूरा वैलिडेशन प्रोसेस था पूरे एप्लीकेशन का सारे मॉड्यूल्स के अक्रॉस, उसको बोलते थे हम चेक एडिट मॉड्यूल्स ही बोलते थे हम उसको। और वो पूरा लिखा गया था कोबोल पे, है ना। कोबोल तब तक ऑलरेडी ऑब्सोल्यूट हो चुकी थी, AS/400 वगैरह उस तक मार्केट को गेन कर चुकी थी, है ना। लेकिन उस कोबोल की रूटीन को रिप्लेस करे वो जावा में, ये हिम्मत वो नहीं कर पाए थे। रीजन द वास्ट कोड बेस जो ऑलरेडी रनिंग है और परफेक्टली काम कर रहा है, उसको आप चेंज करेंगे, पूरे बिजनेस लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा। वो बिजनेस लॉजिक को कितने जमाने पहले लॉस हो चुकी होगी, उसे ना तो कोई डॉक्यूमेंटेशन है ना कुछ है। अब वो समझने का मतलब है कि मतलब आप समझ लीजिए कि एक पहाड़ का काम आपने ले लिया, है ना। तो क्या करते थे वो, पूरा का पूरा एप्लीकेशन रिवैम्प हुआ जावा पे, जो पुराने टेक्नोलॉजी हटाया, लेकिन उस रूटीन को नहीं हटाया, उसको छिड़ा भी नहीं। समथिंग विच इज ऑलरेडी वर्किंग शुड नॉट बी टच। अब उसको यूज कैसे करें, एप्लीकेशन तो हमने जावा पे पूरा कंप्लीट रिफैक्टर कर लिया, चेंज कर दिया, कोबोल की रूटीन कैसे यूज करें। तो कोरबा जैसी टेक्नोलॉजी हुआ करती थी जो आज भी है, ऐसी बात नहीं है। कोरबा जैसी टेक्नोलॉजी में आप क्या करते थे कि मतलब एक टेक्नोलॉजी दूसरी टेक्नोलॉजी के अक्रॉस क्लासेस के फंक्शंस को या रूटीन को कॉल करते हैं, ठीक है। उसको हम बीच में यूज करते थे जैसे ब्रोकर, और उनके थ्रू कॉल करते थे, एक लेयर ऑफ कम्युनिकेशन बीच में डाल दिया, लेकिन उस रूटीन को ब्रेक हमने नहीं किया, है ना, क्योंकि उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ होगा हमें नहीं पता, ठीक है। तो सिमिलरली जब हम कपलिंग की बात करते हैं, तो अगर रूटीन के एक दूसरे में अगर कपल्ड हैं, जो कि मॉड्यूल के फॉर्म में, यानी अलग अलग यूनिट्स हैं, सबसे छोटी यूनिट क्या हुई, फंक्शन हुआ, उससे बड़ी यूनिट क्या हुई, क्लास हुआ, उससे बड़ी यूनिट क्या हुई, पैकेज हो गया, यानी ग्रुप ऑफ क्लासेस, ठीक है, जो फोल्डर के अंदर हो, ठीक है। पैकेज के बारे में और डिटेल्स हम पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ठीक है। अभी अभी जो चीज़ें बस फंडामेंटल आपको समझ में आ रहा है वो लेते जाइए, बाद में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक एक करके आएंगे, ठीक है। तो उनके बीच अगर डिपेंडेंसी होगी तो एक जगह चेंज करेंगे दूसरी जगह चेंज होगा, और कहाँ कहाँ चेंज होगा उसका पता नहीं चलेगा। तो उसमें फिर क्या होगा, एप्लीकेशन आपको जगह जगह से ब्रेक करेगा, एरर देना शुरू कर देगा, आपको हर जगह ट्रैक करना पड़ेगा। और आप ध्यान रख रहे हैं कि भाई इस पे किसी आपके क्लाइंट का पूरा बिजनेस चल रहा है जिसमें पैसे पैसे इन्वॉल्व्ड हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इन्वॉल्व्ड है, समझ रहे बात। तो ये चीज़ फिर बिट सिंपल नहीं रह गई फिर। तो वी विल ट्राई टू हैव कपलिंग एज लो एज पॉसिबल। तब आप देख रहे हैं कि यह कपलिंग लो हो रही है, जब आपने सेव फॉर्म डाटा अलग फंक्शन लिखा, उसके अंदर छोटे छोटे अलग मॉड्यूल्स में आपने डेवलप करे जो कि इंडिपेंडेंट मॉड्यूल हैं, ठीक है। कनेक्शन के लिए अलग लिखा, कन्वर्ट फॉर्म डाटा के लिए अलग लिखा, तो कपलिंग भी आपकी, यानी आपका टास्क जो है बाइफर्केट हो रहा है, तो कपलिंग आपकी रिड्यूस होगी इससे। बात क्लियर हो रही है गाइस, समझ में आ रही है बात, ठीक है।
देखिए, ये जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं ये किसी लैंग्वेज स्पेसिफिक चीजें नहीं है, किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए वो ऐसा नहीं है, ये एक जनरल चीज है। आपको अच्छा डेवलपर बनने के लिए ये चीजें थ्रू आउट लाइफ आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो। ठीक है, सेकेंड चीज, आप जो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? कोहिजन। क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट जब पढ़ते हैं ना थ्योरेटिकल, तो उनको वो समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है। वो बस एक लाइन की डेफिनेशन होती है, वो रट लेते हैं, उस पर कुछ नोट्स मिल जाते हैं, उनको दे करके पास कर जाते हैं। लेकिन उनका रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन क्या होता है, या किस तरह से ये इम्पैक्ट करेंगे आपकी कोडिंग स्किल्स को, और जब आप इंटरव्यू लेते हैं, खासतौर से जब 1-2 साल पुराने हो जाते हैं आप, तो इन चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है। जो आपको हायर करता है वो इस चीज़ को देखता है कि आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, कोड की क्वालिटी कैसी कर रहे हैं। तो कोड क्वालिटी भी मैटर करती है। अगर ये चीज़ आप अपनी फर्स्ट जॉब से अगर आप कर पाएंगे, तो समझिए आप कितनी जल्दी तरक्की कर पाएंगे, या दूसरे जो होंगे वो एक लेवल आपसे पीछे होंगे, और आप उसी जगह से आप अच्छा कोड लिखना आप शुरू कर रहे हैं, आपको बहुत जल्दी टेस्टिंग से डेवलपमेंट के जैसे काम मिल जाएंगे, अच्छे काम मिल जाएंगे, जिसमें मतलब आपको हो सकता है ऑन साइट भी जल्दी मिल जाए। इस तरीके से फर्क पड़ जाता है, बहुत फर्क पड़ जाता है, अगर आप शुरू से ही आप सही क्वालिटी कोड लिख पाए, अगर प्रोडक्टिव रहें और क्वालिटी कोड लिख पाए। प्रोडक्टिव मतलब कम टाइम में ज्यादा डिलीवर कर पाए विथ द क्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन का मतलब होता है कि अगर आप एक मॉड्यूल को लिख रहे हैं, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मॉड्यूल इज अगेन व्हाट? फंक्शन। अगर आप एक मॉड्यूल को आप लिख रहे हैं, तो वो मॉड्यूल किसी एक पार्टिकुलर टास्क से ज्यादा के लिए नहीं होना चाहिए, एक ही टास्क उसमें होना चाहिए। ठीक है, मतलब बिजनेस लॉजिक मिक्स मैच ना हो। अब जैसे अगर मैं इसमें सेव फॉर्म डाटा के अंदर कनेक्शन का भी कोड लिखता, कन्वर्ट फॉर्म डाटा भी इसी में करता, दूसरी चीजें भी इसी में करता, तो क्या होता, मल्टीपल एक्टिविटीज में उसके अंदर एक फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ। या बैंक एप्लीकेशन है मान लीजिए आपका, उसमें विड्रॉ मेथड है, तो विड्रॉ मेथड का फंक्शन क्या है? चेक अकाउंट बैलेंस, राइट? वो एक अलग फंक्शन रिमूव कर दिया मैंने। उससे पहले आप क्या करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड जो आपने इंटर किया है उसको चेक करेंगे कि सही है कि नहीं, यानी ऑथेंटिकेशन, वो अलग फंक्शन भेज दिया। जो आपको विड्रॉ का फंक्शन इतना होना चाहिए कि भाई जो आप अकाउंट मांग से पैसे जो मांग रहे हैं आप, ठीक है, जो विड्रॉ करना चाह रहे हैं, विड्रॉल अमाउंट दैट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन द बैलेंस अमाउंट, यही होना चाहिए ना। तो बस इतना ही लॉजिक आपके विड्रॉ मेथड में जाना चाहिए, बाकी चीजें अलग अलग फंक्शन में हो जाए। विड्रॉ मेथड को कॉल कर ले, या विड्रॉ मेथड कॉल होने से पहले वो कॉल कर ले, किसी और रूटीन से कॉल हो जाए, तब विड्रॉ मेथड पे कॉल आए। नाउ दैट इज व्हाट इज अ हाई इन कोहिजन, यानी एक फंक्शन एक एस्पेक्ट पर फोकस कर रहा है। तो कोहिजन इज समथिंग विच वी स्ट्राइव टू हैव एज हाई एज पॉसिबल। अरे बात समझ में, दिस इज अगेन मेंट टू गिव यू द क्वालिटी कोड, एंड वॉट डज द क्वालिटी कोड डज, इट बेसिकली रिड्यूसेस द एक्सपेंस ऑन मैनेजिंग द एप्लीकेशन वंस इट इज डिप्लॉयड। यानी आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करना था, क्लाइंट ने आपसे कहा डेवलप करने को, आपने डेवलप करके उसको दे दिया, वो काम कर भी रहा है, उसमें इनहांसमेंट्स आएंगे, चेंजेस आएंगे, करेक्शन आएंगे। अच्छा, एक बात और, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे कि 70-80% जो एफर्ट जाता है एक एप्लीकेशन के डेवलपमेंट में, ठीक है, 70% तो मिनिमम देखा है मैंने, दैट गोज इन द मेंटेनेंस ऑफ द एप्लीकेशन, यानी आफ्टर डिलीवरी ऑफ द एप्लीकेशन। एक फेज आपका पूरा हो गया, आपने कंप्लीट करके डिलीवरी कर दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका होगा वो मेंटेनेंस का होगा कंपनी का, उसमें जो जाता है 70-80% टाइम जाता है। फर्स्ट डेवलपमेंट में सिर्फ 20%, 25%, 30% इतना ही टाइम जाता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ द एप्लीकेशन इज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उस पर इतना ही जाता है। तो अब मेंटेनेंस जब इतना इतना एफर्ट लेता है, इतने मैन आवर्स लेता है, यानी इतने रिसोर्सेज को कंज्यूम करेगा, मैन आवर्स इज नथिंग बट अ रिसोर्स, आप हर आवर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपर को पे कर रहे हैं, राइट, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ डेवलपर्स, राइट, कुछ बहुत हाई पेड भी उसमें होंगे, करेक्ट। तो अगर आपने कोड को शुरू से अच्छे से डिजाइन नहीं कर रखा है, अच्छे से कोडिंग मतलब फॉलो नहीं कर, क्वालिटी कोडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर रखा है, तो लास्ट में कोड ऐसा हो जाएगा कि वो इतना मेसअप हो जाएगा कि आपको उसको डंप करना पड़ेगा और रीराइट करना पड़ेगा पूरे एप्लीकेशन को, क्योंकि वो मेंटेनेबल रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसका इम्पैक्ट इतनी दूर तक जाता है। ठीक है, तो ये बहुत मतलब ऐसी चीज है कि जिसका एक अच्छे डेवलपर को ख्याल रखना होगा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। और जो मैनेजर्स होते हैं वो इस बात पे हमेशा नजर रखते हैं कि आप कोड कैसा लिख रहे हैं। जब भी आप अपना कोड, पहला कोड आप इंडस्ट्री में लिखेंगे, तो आप देखेंगे एक प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं पीयर रिव्यू प्रोसेस। ठीक है, पीयर रिव्यू प्रोसेस में क्या होता है, एक दो बंदे आपके सीनियर होंगे, जैसे मैनेजर हो गया, या क्लाइंट साइड से कोई बंदा, कभी क्लाइंट साइड से बंदे भी आते हैं बार बार कोड रिव्यू में, वो भी अपनी टीम को इन्वॉल्व कर देते हैं।
कि देखेंगे कैसी क्वालिटी लिख रहे हैं, ठीक है। आपको उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है कि आप एप्लीकेशन डेवलप करें आपकी कंपनी को, तो ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे आपको, अपने टेक्निकल बंदों को आपकी टीम के साथ इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो लगातार हर चीज़ को मॉनिटर कर सके कि कहीं चीज़ इधर उधर तो नहीं जा रही है, ठीक है। तो क्लाइंट का बंदा भी हो सकता है, आपका अपना मैनेजर हो सकता है, एक दो तीन लोग आपके पीयर टीम के हो सकते हैं, यानी आपके लेवल के हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके साथ बैठेंगे जिसमें आप ऑनलाइन बैठ के कोड को एक एक लाइन बाई लाइन आप समझाएंगे आपने करा है तो क्यों करा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वेस्ट होनी चाहिए, यानी विदाउट पर्पज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना होगा, और कहीं भी उनको लगेगा कि ये एक वेरिएबल भी बिना मतलब का पड़ा हुआ है तो बोलेंगे हटाओ इसको। जैसे एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर करा और उसका यूज नहीं करा उसको, तो कहेंगे क्यों है यहाँ पर ये, ठीक है। तो विद टाइम यू विल बी हैबिचुअल टू राइट सच अ कोड, बट विद द स्टार्टिंग दे विल बी ऑब्जर्विंग यू वेरी वेरी क्लोजली, ठीक है। उस वक्त अगर आप ये परफॉर्म कर रहे हैं कि आप इन चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, वो कहेंगे भाई ये तो बहुत शार्प बंदा है, फ्रेशर होकर के भी इतना अच्छा डिलीवर कर पा रहा है, तो डेफिनेटली आपको उसका बहुत ही ज़्यादा एज मिलेगा, ठीक है। तो एक बात होती है कि आप इंडस्ट्री में जा करके दो तीन साल चार साल धक्के खाएं, सीनियर्स की चार बातें सुने और फिर सीखें, और एक होती है कि अपने स्टडी के पीरियड में थोड़ी मेहनत कर लें और सीख लें, ठीक है। इस वक्त करेंगे तो उस वक्त आप बेनिफिट में रहेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को कैजुअली ना लें, खासतौर से आपके जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं ना फाइनल ईयर के, इसको तो बिल्कुल कैजुअली मत लें, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट 99% स्टूडेंट डाउनलोड करके लाते हैं, हमें पता होता है, ठीक है। विच इज़ रियली रियली बैड। आप अपने सुपरवाइजर जो भी होता है उसको कॉन्फिडेंस में लें। कभी नहीं कहूँगा कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट उठाएं जो कि अनरियलिस्टिक हो, जो 3 महीने में नहीं हो सकता है। एक पूरा एप्लीकेशन कोई भी 3 महीने में डेवलपर भी नहीं कोड कर सकता है। मैं डेवलपमेंट बैकग्राउंड से इसलिए आपसे कह रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। पूरी टीम होती है जो महीनों काम करती है, सालों काम करती है, तब जाके एक रियल एप्लीकेशन डेवलप होता है। आप उसका एक छोटा सा पार्ट उठाएं, अपने अपने सुपरवाइजर से बात करें, उसको बताएं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या क्या करना पड़ेगा, है ना। सुपरवाइजर को कॉन्फिडेंस में लें, उससे बराबर टच में रहें, बताते रहें क्या काम चल रहा है, कहाँ कहाँ फंस रहे हैं, ताकि उसको भी ये पता रहे कि आपका डेवलपमेंट कैसा जा रहा है, आप काम कर भी रहे हैं वाकई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि अगर छोटा सा एक मॉड्यूल मैंने कहा कि आप प्रोजेक्ट में आप उठा लें, क्या उठा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँ कि आप ये एडमिशन का मॉड्यूल है हमारा, राइट। इसमें आप क्या कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स ने फीस सबमिट करी, तो फीस सबमिट करने के बाद क्या होगा, उनकी फी रिसिप्ट जनरेट होगी। फी रिसिप्ट किस में जनरेट होती है, पीडीएफ फॉर्म में जनरेट होती है। वो कैसे होती है, जो आपने फॉर्म में डाटा भरा है कितने अमाउंट आप सबमिट कर रहे हैं, फिर भी सबमिट करने के बाद वो डाटा बेस में गया, बैंक में जब पैसा गया बैंक से कन्फर्मेशन आ गया उस अमाउंट को, वो भी डाटा बेस में कन्फर्मेशन भी गया होगा कितना अमाउंट पैसा आ चुका है, राइट। उसको आप चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, क्रॉस चेक करने के बाद आप कुछ लाइब्रेरीज को यूज़ कर रहे होंगे जो आपने नहीं लिखा है, ऑलरेडी लोगों ने लिख के रखी हुई है, ठीक है। जिससे आप उस डाटाबेस से इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, डाटाबेस तो सब समझते हैं, राइट। डाटाबेस से यानी उनके टेबल से उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को पिक करेंगे, ठीक है। मे बी उसका एप्लीकेशन आईडी जो होता है, जब अभी तक उसे एडमिशन नहीं लिया है तो एप्लीकेशन आईडी जो है उसका प्राइमरी की है, प्राइमरी की समझते हैं ना, जिसे यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके आप, ठीक है। उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे, उससे आप फीस की इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, उसको फिर आप पीडीएफ में जनरेट करेंगे या वर्ड फाइल में जनरेट करेंगे या किसी और फॉर्मेट में जनरेट करेंगे, राइट। तो ये जो पीडीएफ में जनरेट होना है, इतना सा काम सिर्फ अगर करने को आप प्रोजेक्ट से प्रोजेक्ट उठा लें, टू जनरेट अ पीडीएफ फाइल फॉर दिस टास्क। IRCTC में टिकट बुक करते हैं आप, पीडीएफ मिलता है, ये अपने आप में यकीन मानिए एक बहुत बड़ा टास्क है 3 महीने के लिए। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई एक बड़ा सा एप्लीकेशन उठाएं और आप ये बताएं कि मुझे ये करना है, वो फिजिबल नहीं होगा, कभी फिजिबल नहीं होगा। आप कोई छोटी सी चीज़ को आइडेंटिफाई करें, ठीक है, जिस चीज़ को आप कर सकते हैं उसमें आपको लर्निंग मिल जाए। अब जब रिज्यूम आप करेंगे तो आपने जो भी लाइब्रेरी यूज़ करी है, रिज्यूम में अपने आप लिख सकते हैं कि इस लाइब्रेरी के साथ आपका एक्सपीरियंस है, अपने प्रोजेक्ट में आपने इस लाइब्रेरी को यूज़ करा है। हो सकता है कोई इंटरव्यूअर आ जाए जो उस लाइब्रेरी से फैमिलियर हो या उससे एक्टिविटीज फैमिलियर हो या उस तरह के काम को जानता हो, ठीक है। क्योंकि रिपोर्टिंग ऐसी चीज़ है, रिपोर्टिंग, ये रिपोर्टिंग का पार्ट होता है बेसिकली, ये रिपोर्टिंग का पार्ट होता है, रिपोर्टिंग हर एप्लीकेशन में होती है, ठीक है। अब वो फैमिलियर हो तो वो आपसे सीधे क्वेश्चन करता है, तुमने कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करी, कैसे करा, किस तरह के तुमने फंक्शन कॉल करे, कौन कौन से फंक्शन कॉल करे, किस तरह, मतलब एक जनरल एक आइडिया आपसे ले लेगा। उतने में ही आप बहुत डेप्थ में भी नहीं जाएगा, उतने से ही पूछ के समझ जाएगा कि आपने सच में यूज़ करा है कि नहीं करा है, लेकिन उससे उसको ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये बंदा जो है जेन्युइन है,
इसने काम करा है ना, फेक बंदा नहीं है, ठीक है। और स्किल सेट तो खैर अपनी जगह पे ऐड होती है, उसका तो कोई कोई मतलब वही नहीं है, है ना। स्किल सेट आपकी जो होती है, जितने आप उसको बढ़ाएंगे वही आपका आपका सब कुछ आपका एसेट है, राइट। तो क्वालिटी कोड लिखना बिना ढंग से प्रोजेक्ट को करे आप नहीं समझेंगे, ठीक है। बाद स्टूडेंट्स को मैंने जो मेरे अंडर में से उनको मैंने जो प्रोजेक्ट कराए हैं वो क्या कराए हैं ये पता है आपको? सिर्फ ये कराया है कि एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कराया कहीं से, ठीक है, फाइन। जो एक स्टूडेंट टाइप का एप्लीकेशन था जो सबमिट करते हैं अक्सर आप लोग, और फिर कहा कि इसको पूरा का पूरा रिफ्रैक्टर करो, चेंज करो क्वालिटी कोड में, ठीक है। यानी सारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करें इसमें, सारे डिजाइन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, उनको फॉलो करें, कोडिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ठीक है। मैथड के नाम आपको लग रहा है कहीं कहीं अगर ऐसे हैं जो जो सही रिफ्लेक्ट नहीं करें, उनके मैथड के नाम को डालें, पूरा दोबारा से उनको कमेंट्स में ऐड करें, ठीक है। फंक्शन को मॉड्यूलर बनाएं, कोहिजन कपलिंग का ख्याल रखें, फंक्शन में अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको ब्रेक करके अलग अलग फंक्शन में डिवाइड करें, और उनका जहाँ जहाँ इंपैक्ट हो रहा है उनको सही करें। अपने आप में प्रोजेक्ट है भाई, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बात समझ आ रही है। अब वहाँ जब आप प्रेजेंटेशन देंगे तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मैंने ये एप्लीकेशन डेवलप किया है, आप ये बताएंगे कि मैंने इसको जो एप्लीकेशन डेवलप किया है इसको क्वालिटी कोड में डेवलप किया है, और उसमें ये चीज़ें मैंने चेंजेस करें, ये चीज़ें फॉलो करें हमने, आप प्रेजेंटेशन में वहाँ ये दिखाएंगे, आ रही बात समझ में। तो प्रोजेक्ट चूज करना भी अपने आप में एक आपको समझदारी से करना पड़ेगा, ऐसा स्कोप नहीं हो कि जो इम्पॉसिबल स्कोप हो, क्योंकि फिर अल्टीमेटली फिर आप परेशान होकर के क्या करेंगे, डाउनलोड ही करेंगे। टीचर्स के पास बात उतना टाइम नहीं होता है करना आपको, ही अल्टीमेटली है, हेल्प आप ले सकते हैं उनसे वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन करना आपको ही होता है बेसिकली। तो अभी ये प्रोसीजर लैंग्वेज का ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, राइट, कि हम सी से हमारे पास प्रोसीजर लैंग्वेज से ही मॉड्युलरिटी हमारे पास मौजूद थी, ठीक है, फाइन गाइस, क्या तो क्लियर है? टाइप का ध्यान रखिएगा, बता दीजिएगा मुझे, क्लासेस कुछ है क्या और कोई? अभी क्लास की टाइप की फिक्र नहीं करो, अब ये बताओ कि अभी कोई और क्लास है क्या आपकी? थोड़ा और खींच सकते हैं 10-15 मिनट, ठीक है। तो अभी इसमें क्या है कि आपने शुरू किया, लेट्स कम टू बैक टू आवर टॉप डाउन अप्रोच, ये टॉप डाउन अप्रोच है, मेन से शुरू किया, ये सारे फंक्शन आपने बनाए शुरू करें, कई सारे फंक्शन बनेंगे इस तरह से जिसका कॉल होगा, इन फंक्शन के अंदर से फर्दर फंक्शंस के कॉल होंगे, तो एक ट्री स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, राइट। और फिर उसके बाद आप जा करके मेथड के इन फंक्शंस के मतलब लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी इन फंक्शंस के अंदर, या फिर ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी, राइट। तो ग्लोबल यानी आपने सबसे पहले शुरू किया कहाँ से? मेन मेथड से, विच इज कोऑर्डिनेशन। इसको अगर मैं कहूँ तो इस सिस्टम को क्या बोलूँगा? कोऑर्डिनेशन, कंडीशन की बात करूंगा, राइट। उसके बाद आप आए तो आपने क्या करा? फंक्शन में चीज को ब्रेक करा, और जब आप फंक्शन में आपने ब्रेक करा तो ये फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर। बिहेवियर बिहेवियर बोलते हैं ना, फंक्शन क्या होता है? एल्गोरिथम होता है, वो कैसे काम करेगा वही तो बिहेवियर कहते हैं, बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले आपने कोऑर्डिनेशन एज फर्स्ट स्टेप शुरू करा, फिर सेकंड स्टेप क्या है? बिहेवियर। पर जब आपने बिहेवियर लिखना शुरू करा तब आपने लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करा, तब आप किस पे आए? फिर डेटा पे, तब आप डेटा पे आए, राइट, करेक्ट, बात समझ में आ रही है। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे। जैसे यही एप्लीकेशन जो हमें बनाना है एडमिशन के लिए, तो मैं बोलूँ कि आप बताइए इसमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होता है? सम काइंड ऑफ एंटिटी विच इज आइदर रियल वर्ल्ड और कंसेप्चुअल, राइट, उसको आप किसी फॉर्म में देख सकें। तो क्या क्या आप एंटिटी सोच सकते हैं, क्या क्या ऑब्जेक्ट सोच सकते हैं, बताइए जरा एडमिशन एप्लीकेशन के लिए। स्टूडेंट बन सकता है, कोर्स, ईयर जो आएगा वो आपका मतलब एडमिशन डिटेल के अंदर कर सकते हैं आप, ठीक है, और डिपार्टमेंट अगेन, यस,
एंड फी रिकॉर्ड, हर सेमेस्टर का फी रिकॉर्ड होगा, एक जगह आप क्लब कर रहे हैं एक जगह पे, ठीक है, फी रिकॉर्ड या फी पेमेंट रिकॉर्ड जो भी कहें, एडमिशन फॉर्म, कंसेप्चुअल एंटिटी, ठीक है, वो फॉर्म अपने आप में मैप होगी, पूरा एक फॉर्म की इंफॉर्मेशन किसी एक क्लास से, राइट, इस तरह है। अच्छा, अभी हम एडमिशन की बात कर रहे हैं तो मार्क्स की बात अभी नहीं करेंगे, एडमिट हो गए आप तब उसके आगे अगर हम मॉड्यूल को एक्सटेंड करेंगे तब हम करेंगे कि आपके ग्रेड्स क्या हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है, अभी सिर्फ एडमिशन तक लिमिट कर रहे हैं, हम लिमिट इसलिए कर रहे हैं ताकि समझना आसान हो, ठीक है। तो इस तरह के खैर बैनर बहुत सारे बनेंगे, जब आप सोचना शुरू करेंगे तो बहुत सारे निकलेंगे। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपने उसको एंटिटीज में क्लासिफाई करना शुरू करा। एंटिटी अपने आप में क्या है, एक मैक्रो लेवल का डाटा ही तो है। स्टूडेंट की बात आप कर रहे हैं तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स ही तो होगा, उसका नाम होगा, एज होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होगी, ठीक है, और दूसरी इंफॉर्मेशन होगी किस कॉलेज से पास आउट होकर आया है, तो आप चीजें होंगी, है ना। अब स्टूडेंट के अंदर आप फादर चले तो आप क्या करेंगे, स्टूडेंट क्लास को आपने लिया तो उस जब क्लास की स्पेसिफिकेशन यानी क्लास को आप लिखना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप वेरिएबल्स लिखते हैं, राइट, सबसे पहले आप वेरिएबल्स लिखते हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या हो गया, एज क्या हो गया, किस कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहा है, किस कोर्स इसका इसका जो मतलब प्रीरिक्विजिट कोर्स जो है इसका है, एलिजिबिलिटी कोर्स जो है वो कौन सा है, वो किस कॉलेज से करा है उसने, कितने उसमें कितने ग्रेड थे उसके, एलिजिबल है कि नहीं है, है ना। मान लीजिए यहाँ पे कट ऑफ लगा दिया 75%, तो कट ऑफ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये सब चेक करने के लिए वो सारी इन्फॉर्मेशन आप लेंगे इन द फॉर्म ऑफ फर्दर डाटा, ठीक है, राइट। अब उस डाटा पे उस क्लास के अंदर जो कि स्टूडेंट क्लास के अंदर है, गेट स्टूडेंट डिटेल, सेव स्टूडेंट फॉर्म या इस तरह के कोई भी फंक्शन आप लिखना शुरू करेंगे, राइट। तो पहले आपने डाटा लिखा, फिर उस डाटा पे जो बिहेवियर अप्लाई हो रहा है वो बिहेवियर फंक्शन के फॉर्म में लिखना शुरू करा, और दोनों चीज किस में आ रही है, एक ही क्लास के अंदर आ रही है ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ आपको मॉड्युलरिटी भी समझ में आ रही है इन कैलकुलेशन के फॉर्म में, राइट, और आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपने डाटा से शुरू करा, पहले ऑब्जेक्ट को डाटा के फॉर्म में देखा, फिर ऑब्जेक्ट को फर्दर एक एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करा आपने, तो फर्दर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपने आइडेंटिफाई कर डाटा पर, फिर डाटा के बाद फिर किस पे आए, बिहेवियर पे। अब जब सारी क्लासेस बन जाएंगी तो वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, जाहिर सी बात है सारी क्लासेस में मेन फंक्शन नहीं होगा, मेन फंक्शन एक ही क्लास में होगा जहाँ से एप्लीकेशन को स्टार्ट होना है, ठीक है, या बैकएंड अगर सर्वर साइड एप्लीकेशन है तो मेन फंक्शन भी नहीं होगा, ये भी पहले से आपको बता दूँ, जरूरत नहीं है मेन फंक्शन की भी अगर सर्वर साइड एप्लीकेशन है, मतलब अगर वेब एप्लीकेशन है या सर्वर साइड कंपोनेंट है तो वो कॉल कहीं और से होगा, मेन फंक्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ पे आपको, हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन लिखते हैं तब मेन की जरूरत पड़ती है हमको, राइट, एंट्री पॉइंट के लिए, अदरवाइज वो एंट्री पॉइंट की हमें जरूरत ही नहीं है, वो कोई और से कॉल करेगा, फाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रोसेस रिवर्स हो गया, आपने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करी तो आपने पहले डाटा पे फोकस किया, डाटा यहाँ पे लास्ट में फोकस हुआ था, राइट, फिर आप किस पे आए, आप आए बिहेवियर पे, उन डाटा पे जो फंक्शन है उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, बिहेवियर पे आए, फिर जो लास्ट चीज होगी जो तीसरी होगी वो क्या होगी, कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये क्या था, ये टॉप डाउन अप्रोच था, राइट, ये क्या है, बॉटम अप्रोच है, ठीक है, ये डाटा सेट शुरू हो रहे हैं, बॉटम अप्रोच है। अब क्लियरली समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है, गाइस, ठीक है। तो जब भी हम सी प्लस प्लस में काम करेंगे, जावा में काम करेंगे या किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद फिर हम किस पे आएंगे, फिर हम उन ऑब्जेक्ट के इंडिविजुअल फील्ड्स पे आएंगे, फील्ड्स में कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस हम बाद में देखेंगे। फील्ड्स के बाद फिर हम किस पे आएंगे, बिहेवियर पे आएंगे, यानी उनके मेथड्स यानी फंक्शंस पे आएंगे जो उस डाटा पे अप्लाई होगा सिर्फ। जब इसको हम फिगर आउट कर लेंगे तब हम सोचेंगे कि भाई कोऑर्डिनेशन हमें कैसे करना है, कोऑर्डिनेशन वहीं से शुरू हो जाएगा, जैसे पहले क्लास आप लिखेंगे उसको टेस्ट करना शुरू करेंगे आप, कोऑर्डिनेशन वहीं से आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो एक दो क्लास हो सकता है, तीन क्लास तक थोड़ा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट रहे आपका, उसके बाद हम प्रैक्टिकल में मूव कर जाएंगे, ठीक है। तो अभी क्लास को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ।